अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। सबसे पहले आज बात की जाएगी महंगाई के हवाले से, क्योंकि ईद करीब है और रमज़ान का ये जो महीना जारी और सारी है, इस रमज़ान के महीने में महंगाई जिस तरह से काबू की जानी चाहिए थी नहीं की गई पूरा महीना गुजरता रहा, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। जबकि अगर मैं डॉलर की बात करूँ तो इंटरबैंक में डॉलर 149 रुपये की सतह पर आ गया, 83 पैसे सस्ता हो चुका है। लेकिन अगर मैं पेट्रोल की बात करूं या दीगर कीमतों की बात करूं तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। अभी भी सिफारिश दी गई है पेट्रोल के हवाले से कि 8 रुपये बढ़ाए जाएंगे, पहले भी बढ़ाए गए थे पैसे, अब फिर बढ़ाए गए हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि बड़ा इजाफा दिखाकर छोटा इजाफा करके पतली गली से बचकर निकल जाते हैं, यही आला हुक्मरानों की जो है सियासत होती है और सियासत करते रहते हैं। इस बार भी शायद मुझे लगता है कि ईद से पहले एक झटका आवाम को और दिया जाएगा और वो ये होगा कि 8 रुपये की सिफारिश की गई है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, वो बहरहाल 2-4 रुपए या 3 रुपए बढ़ा दी जाएंगी। ये बात आप कोट कर सकते हैं, इससे पहले पहले ऐसा हो सकता है। और महंगाई के हवाले से बात की जाए तो इकोनॉमी जो जितनी मैटर करती है हमारी, वो तमाम चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर मैटर करती है, वो भी हम फ्लरिश नहीं कर रहे हैं उस सेक्टर के अंदर। या अगर हम दीगर मामलों के ऊपर बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी भी हमारी इस हुकूमत में और इस मौसम में नहीं देखी जा रही। और फिर हम 1 महीने के बाद अभी हम बजट पेश करने वाले हैं, हम IMF के पास भी जा चुके हैं, इंटरबैंक्स, अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, एशियन बैंक की बात की जाए, तो वहाँ से भी हमें $6 बिलियन मिलने वाले हैं। या फिर सऊदी अरब की बात करें तो $3 बिलियन का जो तेल हमें मिलने वाला है, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके बावजूद अगर डॉलर की बात की जाए तो वो स्टेबल करेगा या फिर दोबारा से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे, ख़ास तौर पर महंगाई के ऊपर बात करेंगे कि एक आम आदमी के लिए जो मयारी अशिया हैं, रोज़मर्रा की अशिया हैं, वो कितनी ज़्यादा उससे और दूर होती चली जाएंगी उसकी पहुंच से। बहरहाल सीनियर तजियाकार हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, मोहम्मद जाकिर साहब। सर थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ख़ास तौर पे खुसूसन सवाल करना चाहूँगा, महंगाई ये एक ऐसी टर्म बन चुकी है जो खुद महंगी होती चली जा रही है, अभी भी सिफारिश दी गई है 8 रुपये पेट्रोल महंगा करने की, तो क्या आवाम का ये सही से तेल निकाल दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लगता तो ऐसे ही है कि चीज़ें इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं, जिस तरह के डॉलर कंट्रोल में नहीं था और वो कहीं 149 पे जाके कहीं वो स्टेबल हो रहा है। देखिए पिछले एक साल में 115 से 149.50 पे डॉलर का चले जाना, और हम कहें कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों पे, तो वो तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है जो डॉलर की सेलिंग परचेज है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, पिछले साल में मालदीव्स में था फैमिली हॉलीडेज में और मुझे डॉलर की ज़रूरत पड़ गई, पूरा शहर मैंने उनका छान मारा, हूँ कि जी यहाँ कोई मनी चेंजर नहीं है क्योंकि आपको बैंक जाना है डॉलर लेने के लिए या एयरपोर्ट पे चेंज करवाने हैं। तो देखें ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। मुझे वो ज़माना याद है 91-92 का, मैं अपने पासपोर्ट पुराने उठाऊं तो उसमें एक पेज हुआ करता था जहाँ पर डॉलर स्टेट बैंक दिया करता था, मुल्क से बाहर जब आप जाते थे आपको जस्टिफाई करना होता था आपको डॉलर किस लिए चाहिए। अब यहाँ जब आप माफिया के हाथ में कंट्रोल दे देंगे तो फिर तो आपकी इकॉनमी इसी तरह, क्योंकि स्टेबल पाकिस्तान इकॉनमी तो वेस्ट के इंटरेस्ट में है ही नहीं। अब यहाँ पे जो एजेंसीज रोल प्ले कर रही हैं वो आपको नहीं पता, या आपको डॉलर ऊपर ले जाने में, या जिस तरह टर्की के साथ किया इन लोगों ने, वो हमारे सामने है। तो हमें अभी भी जो है समझ आ जानी चाहिए, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। अभी अच्छा, डॉलर बढ़ाने में ये डॉलर बढ़ता है घटता है, हुकूमत का आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन में, अभी की जो हालिया सूरत हाल है, कितना परसेंट हाथ है? देखिए मैं तो आपको मिसालें दे चुका हूँ ना कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ डॉलर का बढ़ना या घटना गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है, हम क्यों नहीं कर रहे? या पहले एक ज़माना था हम कर रहे थे, जो मैंने मिसाल दी कि आपको स्टेट बैंक से डॉलर लेने पड़ते थे, आपको जस्टिफाई करना पड़ता था। आज आप डॉलर पूरे मार्केट से गायब करके और बैंकों में भर रहे हैं, आपका माफिया जो है और आपकी इकॉनमी के साथ खेल रहे हैं और हम वो सब तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि जब डॉलर महंगा होता है आपकी सारी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती है, ठीक है, आपका तेल महंगा होता है और चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं, तो उसका जो असर है वो मईशत पे तो पड़ता है और आम आदमी तक वो जाता है।
तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा कि ये जो हमने फ्री हैंड दिया हुआ है माफिया को डॉलर ऊपर नीचे करने का, इस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अभी अगर मैं गुज़िश्ता दो हफ्तों की बात करूँ तो डॉलर नीचे आया है बतदरीज, तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, काम करती है, नज़र आ रही है? फिर देखिए, अभी जब एकदम से वो बेलगाम हो गया था और 53-54 तक 153-154 तक चला गया था, और जब लोगों में एक बहुत बुरा तासुर पैदा हो गया, तो जाहिर है गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए और अब आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे ये 149-150 के बीच में कहीं ले आए हैं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले एक साल में 115 से यहाँ ले जाना, और उसका जो उतार है वो बहुत कम है और चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहा है। तो अगर ये कहीं इसको स्टेबल भी कहीं 148-149 पे स्टेबल भी कर लेते हैं, फिर भी ये हमारे हक में बेहतर नहीं है, क्योंकि फिर भी आपकी कीमतें बहुत बढ़ेंगी। अगला जो बजट आ रहा है वो उधर फिर एक कड़वा घूंट, ये कहेंगे जी आप पिए फिर कड़वा घूंट। अब ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट जो है वो आ जाता है कि जी ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है और ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। भैया, कड़वे घूंट हम 70-71-72 साल से पी रहे हैं, अब अल्लाह का वास्ता है, ये टर्म आप ख़त्म करो कि कड़वा घूंट पियो। अब आप कुछ रिलीफ की बात करो, कुछ हमें कुछ ऐसा रूट मैप दिखाओ। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, और कितना जो है वो ये दिलासा देंगे, हौसला देंगे, क्योंकि अभी भी 8 रुपये सिफारिश की गई है ओग्रा की जानिब से कि 8 रुपये बढ़ा दीजिए पेट्रोलियम पे, मतलब ईद से पहले ही वो एक बड़ा झटका दे रहे हैं। क्या समझते हैं कितने पैसे बढ़ेंगे? देखिए, पेट्रोलियम तो ये तो बढ़ेगा, ठीक है, कितने बड़े 8 नहीं बढ़ेगा तो 6 रुपये, लेकिन इससे पहले देखें कितना ज़्यादा बढ़ा है पिछले 6 महीनों में, ठीक है। और ये पेट्रोलियम जो जब बढ़ता है तो आपकी हर चीज़ पे और गरीब आदमी पे असर इसलिए पड़ता है कि इसका ताल्लुक आपकी ट्रांसपोर्ट से है, इसका ताल्लुक आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है उनसे है, ठीक है, जो रनिंग कॉस्ट है वो चीज़ों की बढ़ जाती है। तो महंगाई का तूफान तो फिर आता है जब पेट्रोल महंगा होता है। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना, कुछ रिलीफ दे सकती है, कुछ वहाँ कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये कम से कम ये पेट्रोलियम के रेट तो कम से कम इस वक्त गवर्नमेंट खुद रेगुलेट कर रही है, ये तो माफिया के हाथ में नहीं है। तो यहाँ तो वो कुछ रिलीफ दे ना आवाम को, तो जो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, वो यहाँ पर भी काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब क्या समझते हैं, अभी बजट भी करीब है, पहला बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, मिनी बजट के अलावा ये जो है वो मुकम्मल तौर पर पहला बजट होगा, क्या समझते हैं कि रिलीफ दिया जाएगा आवाम को या फिर नए टैक्सेस लागू किए जाएंगे? देखिए, इस वक्त जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं या जो गवर्नमेंट का फ्यूचर की जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो तो किसी को भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई बात फर्म नहीं है इस वक्त। जो भी जो वादे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें सामने उनका प्रॉपर एक रूट मैप हमें, मतलब नया बंदा लाए हैं हफीज शेख साहब को लेकर आए हैं, उनके पास भी कोई रोड मैप नहीं है मौजूद? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मतलब कुछ विजन होता है ना, एक विजन 5 ईयर का विजन ही कौम के सामने रखते हैं कि अगले 5 सालों में ये होने लगा है, वो भी बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हैं। मतलब पहले असद उमर साहब को लेकर आए थे कि हमारा सबसे मेन ये खिलाड़ी है और इसके बेस पर हम खेलेंगे इकोनॉमी पर, वो भी फेल हो गया, उसको भी कारकर्दगी पर हटाया गया था। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका है, क्योंकि ये देखें, ये वन मैन शो नहीं है, ये पूरा एक टीम है आपके साथ। जब तक वो पूरी टीम दयानतदार नहीं होगी, इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होगी, आप अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे। अब ये जो शुरू के नारे थे, अभी 8-9 महीने गुजर गए हैं, ऑलमोस्ट थोड़े 1-2 महीने बाद 1 साल हो जाएगा, तो आपका 20% टाइम अगर गुजर गया और उसमें कुछ आप बेहतर नहीं अचीव कर सके और यही दिलासा दे रहे हैं के नहीं सबर कर लें, कड़वा घूंट पी लें, तो फिर वो मीठा घूंट कब आएगा? उसके लिए कुछ आप हमें उम्मीद तो दिलवाएं, उस तरह की कोई उम्मीद नजर भी नहीं आ रही बजट में। उम्मीदें तो वो कंटेनर्स पे खड़े होकर तब से देते आ रहे हैं, अभी भी एक ही जुमला कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। अब उनका अपना वोटर परेशान है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जर्नलिस्ट बने बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई पहला साल है, अभी इनको हुकूमत तो करने दी जाए, लेकिन कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही किसी भी सेक्टर में। देखिए, गरीब लोग इस वक्त पिस रहे हैं, इस वक्त सबसे पहला तो इन्हें बजट में ये करना है, इन्होंने रिलीफ देना है आवाम को, जो इन्फ्लेशन क्या है, क्या रिलीफ देंगे? आप तजियाकार हैं, आपको क्या लगता है कि बजट में क्या रिलीफ दिया जाएगा? 30-35% अगर इन्फ्लेशन हुआ है तो आप 30-35% आप सैलरीज या पेंशन तो इजाफा करें ना पहले, एम्प्लॉयज की, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी जो इनकम है उसमें इजाफा होना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबल महीना तो गुजार सकें ना,
इस वक्त तो मसला ये है कि जो इन्फ्लेशन हुआ है पिछले एक साल में उसको बराबर करने के लिए शायद आप वो रिलीव या उतना इजाफा तनख्वाहों में या इनकम में नहीं, तो यहाँ पर तनख्वाहों में इजाफा करेंगे पैसा फिर खजाने में कम पड़ जाएगा। बात तो यही है ना कि खजाने को कैसे भरा जाए। नहीं, फिर उसकी जो रूट कॉज है हम उस पर नहीं जा रहे। देखें, एक पेड़ को अगर दीमक लगा है तो आप उसके ऊपर जितना अच्छा स्प्रे कर लें, जब तक उस दीमक का आप इलाज नहीं करेंगे, जब तक उस माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे जो सबब है हमारी मईशत की तबाही, मुझे ये बताएं जाकिर साहब, उस वक्त तक कैसे आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकते हैं? ठीक है, इलाज क्या है? अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया कैंपेन्स के हवाले से, बारह में देखता हूं कि यह कहा जा रहा है कि इम्पोर्ट की हुई चीज़ों को उसका बॉयकॉट किया जाए, उसको रोका जाए, उसको इस्तेमाल ना किया जाए। क्या यह हल है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल ना किया जाए? आप ये क्यों कह रहे हैं कि इम्पोर्ट की हुई चीज़ों को इस्तेमाल ना करें? आप बंद करें इम्पोर्ट। कल मैं फ्रूट शॉप पे गया, सेब खरीदने लगा, उसने कहा जी ये सेब फलांग मुल्क से आए हैं। मैंने कहा ये मुझे नाशपाती दे दो, उसने कहा जी नाशपाती फलांग मुल्क से। आप सेब की बात कर रहे हैं, सुइयां बाहर से आती हैं, एक छोटी सी सुई हम चाइना से मंगवाते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं? जब हम ये नाशपाती और सेब भी बाहर से मंगा रहे हैं तो फिर आप क्या बात कर रहे हो कि लोगों पर क्यों पाबंदी लगा रहे हो? खरीदे ना, आप इम्पोर्ट बंद करें ये अननेसेसरी चीज़ों की। आपके मुल्क में बहुत अच्छा सेब होता है, बहुत अच्छा फ्रूट होता है, बहुत अच्छी सब्जी। जब फ्रूट सब्जी भी आप इम्पोर्ट करोगे और डॉलर बाहर भेजोगे जो आपके पास पहले ही कम है, तो नहीं, हुकूमत तो ये काम नहीं कर रही ना, इम्पोर्ट बंद नहीं कर रही है। आवाम ये चाह रही है, बहुत से सेक्टर्स के अंदर मैंने सुनी ये बात कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इम्पोर्ट की हुई चीज़ों को रोकेंगे, उसका बायकॉट करेंगे। तो क्या समझते हैं ये कितना फीसद सही साबित होगा अगर हम बायकॉट करते हैं? देखें, ये लोगों के बायकॉट से ये मसला हल नहीं होगा, ये हुकूमती लेवल के एक्शन है जो होने हैं। आपको अननेसेसरी इम्पोर्ट्स बंद करनी है, आपको डॉलर को रेगुलेट करना है, आपको ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, देखें वो हमारा सरमाया है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में 40 अरब डॉलर मुसलमान मुल्कों से उनकी पब्लिक जो है अपने मुल्क में भेज रही है। ठीक है, मुझे याद है आज से 30-35 साल पहले मैं गल्फ जब जाता था मुझे हार्डली कोई इंडियन नज़र आता था। अब जब मैं गल्फ जाता हूँ मुझे पूरी मार्केट इंडियन से भरी नज़र आती है। तो ये उनकी गवर्नमेंट, उनकी जो फॉरेन ऑफिसेज हैं वो काम कर रहे हैं, वो लोगों को बाहर सेटल कर रहे हैं, फिर वहाँ से वो फॉरेन एक्सचेंज अपने मुल्क में भेजते हैं और अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर रहे हैं। तो क्या ये काम हम नहीं कर सकते? हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो सारा दिन सोने के लिए है, वो क्यों यहाँ पे लोगों को बाहर नहीं सेटल करता और वहाँ उनके मामलात हल नहीं करता? इतना बड़ा सरमाया होते हैं ओवरसीज, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते तो पर आपको इस तरह से जो है वो इकदाम ऐसे लेने हैं कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो। उस साइड पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा और इंडिया हमसे कंपैरेटिवली बहुत आगे जा रहा है। मतलब 80 अरब डॉलर उनके जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर हमारे लिए क्या पैगाम देंगे आप इस कैबिनेट को जो फेडरेशन में बैठी हुई है? क्या पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए? क्योंकि इंपोर्ट हमारे पास ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसका एतमाद हम पर से उठ चुका है। जो ये हुकूमत है मौजूदा वो कह रही है कि कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास, कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान मौजूद नहीं है। फिर कैसे हम इस वक्त यहाँ पर टिक सकेंगे इस मौजूदा हुकूमत के साथ? देखिए, इनको हालात सही करने पड़ेंगे, इनको बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट यहाँ बनाना पड़ेगा। लेकिन ये तो पकड़ धकड़ की सियासत पर बिलीव करते हैं ना, ये तो कुछ सोच ही नहीं रहे यहाँ पर इस सेक्टर के लिए। और ये जो एकदम से ये वो इमरजेंसी मचा देते हैं ना, उससे इनको निकलना पड़ेगा। वी हैव टू गो स्लो एंड स्टडी, हमें स्लो एंड स्टडी चलना है। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस इनसे ज्यादा थी? क्योंकि कंटेनर्स पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम बिजली सस्ती कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे, और असद उमर साहब हमेशा 3 साल से कहते रहे कि नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर के भाई हम गैस की कीमतें सस्ती करेंगे, दुनिया के अंदर कीमतें कम हो रही हैं, हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो तमाम बातें उल्टी नजर आती हैं। ऐसा तो नहीं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई थी कि एकदम जादू की छड़ी घुमाएंगे और पाकिस्तान बदल जाएगा, नया पाकिस्तान आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये वाहिद पार्टी थी जिसको आजमाया नहीं गया था, तो एक्सपेक्टेशन तो थी, क्योंकि नारे और वादे वो इतने फर्म नजर आ रहे थे कि लग ऐसे ही रहा था कि वाकई एक नया पाकिस्तान बन जाएगा, इसलिए लोगों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन शायद तजर्बा नहीं था या जो होमवर्क है वो सही तरह से नहीं किया गया। अगर होमवर्क सही तरह से किया गया होता तो आज इतने मसाइल नहीं होते। दूसरा ये है कि हमें इंटरनेशनल सिनेरियो भी देखना है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को भी देखना है। कुरान पाक में जब अल्लाह ने कह दिया कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो आज क्यों हम उन पर रिलाई कर रहे हैं? ये हमारी इकॉनमी जो ऊपर नीचे हो रही है इसमें बहुत बड़ा रोल ये वेस्टर्न कुवतों का भी है। देखें, अभी मार्च में तेल निकल आया था,
ठीक है, हर जगह खुशियां मनाई जा रही थी कि अभी सिर्फ क्वांटिटी डिटरमाइन ये हुआ क्या, अचानक से तेल में जाके कुएं बंद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है ना तेल ना गैस, ये गया क्या तेल, अचानक से गायब हो गया तेल, अचानक से गायब। देखें ये हम नहीं समझ रहे इन चीजों को ना, इतना बड़ा पैसा खर्च करने के बाद एक दिन किसी ने नारा मार दिया जी बंद करो ये होल, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, जबकि उससे पहले सारी उम्मीदें हमें दिलाई गई, ठीक है, और सिर्फ क्वांटिटी असेस हो रही थी। अब पत्नी पीछे कौन इसको कंट्रोल कर रहा है हमें तो नहीं पता, हमें ये पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया कि यहूदो नसारा आपके, लेकिन फिर आप जाते भी तो वेस्टर्न लोगों के पास है, IMF के पास जा रहे हैं, फिर हम कर्जे लेने हैं, फिर हम उनसे ही मदद मांग रहे हैं, नहीं वो भी तो हम गलत कर रहे हैं ना, देखें हम इतना सूद दे रहे हैं और सूद हराम है, अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है और आप उसके लिए लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं, तो आपकी पॉलिसीज तो गलत है ना, बरकत कहाँ से आएगी। अब बरकतें जब निकल जाती हैं तो फिर इस तरह के हालात होते हैं, हमें फॉरेन पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी को सही करने की जरूरत है, इसको बनाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाकिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, और ये जो किया है बिल्कुल इसको सोचा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, जो कैबिनेट अगर मुझे देख रही हो सुन रही हो, बहुत सारी बातें हैं, इम्पोर्ट हमारी बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल नापैद हो चुकी है, ना होने के बराबर रह चुकी है, महंगाई का तूफान काबू नहीं किया जा रहा, पिछली हुकूमतों में भी महंगाई बढ़ती रही, महंगाई होती रही, और इस हुकूमत में भी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों ने वोट दिया आपको खान साहब, तो आपको सोचना पड़ेगा, कोई रोड मैप आपके पास होना चाहिए, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी मौजूद होनी चाहिए, ऐसे खिलाड़ी तब्दील करने से कि वो अनफिट हो गया, दूसरे खिलाड़ी को ले आए, दूसरा ख़त्म हो गया, तीसरा ले आए, ऐसे हुकूमत नहीं चलेगी। सोचने की ज़रूरत है कि जो बातें आप कंटेनर्स पर खड़े होकर किया करते थे उसके बरक्स वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, वो अमली तौर पर चीज़ें कुछ और नज़र आ रही हैं, बातें कुछ और थीं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी ये कह रहे हैं कि भाई अभी एक साल हुआ है, आप इनको वक्त दीजिए, लेकिन एक साल में कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर के अंदर कोई बेहतरी किसी किस्म की नज़र नहीं आई। अब देखना यह कि पहला बजट पेश किया जाएगा, उस बजट में कितना रिलीफ आवाम को दिया जाता है, क्योंकि अभी ये खबर तो मैंने ब्रेक कर दी कि 8 रुपये की सिफारिश की गई है पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ने के लिए। अब देखते हैं कि कितने पैसे बढ़ाए जाते हैं, इससे पहले तो जो सपोर्टर्स हैं वो सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन आपसे सवाल ज़रूर किया जाएगा जहां पर गफलत की जाएगी, जहां पर करप्शन की जाएगी, या जहां पर ना अहली की सूरत में काम किया जाएगा। बहरहाल यहां पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दीगर स्टोरी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्कुलर रेलवे के हवाले से बात करेंगे। सर्कुलर रेलवे के हवाले से कहा था शेख रशीद साहब ने भी कहा था, जो वज़ीर रेलवे हैं, कि 15 दिन के अंदर इसको बहाल कर दिया जाएगा, और 40 किलोमीटर का जो ट्रैक बताया गया था कि उसका अभी तजावुजात का खात्मा करने, सफाई करनी है, वो तमाम चीज़ें हो गई थी। अब यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर रेलवे कहते हैं कि 4 रोज़ में रेलवे ट्रैक वागुजार करा लिए जाएंगे। अब ये मुमकिन है या नहीं है, बहरहाल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तजावुजात और पक्के रहायशी मकानात भारी मशीनरी के ज़रिए वहाँ से ख़त्म किए जा रहे हैं, तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। और सर्कुलर रेलवे की अगर बात की जाए तो गुजर नाले से लेकर नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन तक 100 मकान मिसमार किए गए हैं, पक्की इमारतें भी हैं उसमें और कच्चे मकानात भी हैं, उनको तमाम चीज़ों को मिसमार किया जा रहा है। अब ये देखना है कि ये आया क्या 4 दिन में वाकई मुमकिन है कि हमें ट्रेन चलती हुई नज़र आएंगी ट्रैक के ऊपर, या फिर सिर्फ ये एक ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे नुमाइंदा K21 न्यूज़ शाहिद हुसैन से। शाहिद ये बताइएगा, आप इसके ऊपर बात करते रहे हैं, रिपोर्टिंग करते रहे हैं, सर्कुलर रेलवे के हवाले से जबानी जमा खर्च किया जाता रहा था कि 1 महीने का वक्त दिया गया, फिर शेख रशीद साहब कहते हैं 15 दिन के अंदर हम खाली करा लेंगे और तमाम चीज़ों को वापस टेकअप कर लिया जाएगा। अब क्या ये पॉसिबल है, अब ये कह रहे हैं कि 4 रोज़ के अंदर रेलवे ट्रैक को वागुजार करा लिया जाएगा? 15 रोज से जारी। शाहिद आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गालिबन दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए शाहिद से, शाहिद को हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 4 रोज़ में रेलवे ट्रैक वागुजार करा लिया जाएगा। एक साहब ने यह भी कहा था, एक तजियाकार ने, कि आपका जो रेलवे का ट्रैक है वो भी अभी तक सही नहीं है, अभी आप तजावुजात ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, अदालत बीच में आती है तो तमाम काम हो जाता है। अदालत ने कहा था कि 50-50 फीट दोनों अतराफ में तजावुजात का खात्मा किया जाए, जिसमें पक्की इमारतें भी मौजूद हैं और कच्चे घर भी मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों का खात्मा किया जा रहा है। अब ये डिप्टी डायरेक्टर रेलवे कहते हैं कि 4 रोज़ में रेलवे ट्रैक को
خالی کرا لیا جائے گا، باگزار کرا لیں گے، عمارتوں کو توڑ دیا جائے گا، مسمار کر دیا جائے گا، اسی کے اوپر بات کریں گے شاہد حسن. شاہد یہ بتائیے گا، یہ آپریشن جو چل رہا ہے یہ کہاں تک پہنچا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چار روز میں دوبارہ سے باگزار کرا لیں؟ جی ہاں بلال، ایک تو آپ کی آواز مجھے بہت کم سنائی دے رہی ہے، دوسرا یہ آپ کا سوال تھوڑا سا مجھے سنائی دیا ہے. 14 روز گزر چکے ہیں اور یہ آپریشن ہو رہا ہے سرکولر ریلوے کے حوالے سے. آج جو ہے گجر نالے سے نارتھ نازم آباد کی طرف یہ آپریشن موو ہوا ہے، جس کے اندر ریلوے کی جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 100 کے قریب ہم نے مکانات مسمار کیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نارتھ نازم آباد سے مجاہد کالونی کی طرف جو ہے کل سے یہ ٹریک کے اوپر آپریشن کریں گے. 50 فٹ ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں کچی اور پکی عمارتیں تعمیر ان کو مسمار کیا جا رہا ہے. تقریباً ابھی 750 مکانات اور ہیں جن کو مسمار کرنا ہے. اور سر کے اوپر عید بھی ہے کیونکہ 4 تاریخ سے چھٹیاں ڈکلیئر ہو چکی ہے عید الفطر کی. اور یہ کیونکہ 4-5 دن جو ہے آپریشن رک جائے گا، اس کے بعد ہی آگے دیکھا جائے گا کہ کب آپریشن اسٹارٹ کیا جائے گا. لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ریلوے ٹریک بحال کیا جائے، تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. لیکن جیسا کہ بلال پہلے بھی آپ کے پروگرام میں میں نے کہا کہ تقریباً یہ کم سے کم 2 سے 2.5 مہینے کا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر یہ 2.5 مہینے کے اندر یہ اگر صفائی ہو چکا، اس میں کامیابی حاصل ہو چکی ان کو سرکولر ریلوے کی انتظامیہ کو، پولیس کو، اینٹی انکروچمنٹ فورس کو، اس کے بعد جو ہے میں نے کہا تھا 23 کے قریب جو ہے ریلوے اسٹیشنز ہیں جن کی تزئین اور رائش کا کام کرنا ہے، اس کے اندر تقریباً 2 مہینے لگ جائیں گے. یہ ٹوٹل جو ہے پورا سرکولر ریلوے کی بحالی تک تقریباً 5 یا 6 مہینے لگ سکتے ہیں. جی اچھا، انتظامیہ کا کیا کہنا ہے کہ صرف اگر میں انکروچمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو انکروچمنٹ کا خاتمہ ہو سکتا ہے کیا 15 روز کے اندر؟ نہیں ہو سکتا بلال، بالکل نہیں ہو سکتا بلال. میں نے ابھی آپ کو پورا ٹائم فریم بتا دیا ہے. آج کے بعد جو 4 تاریخ سے جب عید الفطر کی چھٹیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد 5 دن مزید چھٹیاں رہیں گی، اس کے بعد ہی آپریشن شروع ہوگا. 360 ایکڑ اراضی ہے شہر سرکولر ریلوے کی، جس کے اچھا شاہی سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو عمارتیں گرائی جا رہی ہیں وہاں کے رہائشی ہیں، ان کے لیے کوئی متبادل جگہ موجود ہے یا صرف ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے؟ بلال بالکل، آپ نے اس سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا، سندھ حکومت سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ریلوے انتظامیہ سے بھی بات ہوئی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے صرف آرڈر ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے اور 1 مہینے کے اندر سرکولر ریلوے کو بحال کیا جائے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں رہائشی وہاں کے جو اطراف کے عمارتوں میں مقیم ہیں ان کی متبادل جگہ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے. آج سے پہلے 35 سال پہلے جاپان کی کمپنی نے ان کا سروے کیا تھا اور ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جب ہم ریلوے ٹریک یہاں پہ اسٹارٹ کریں گے تو وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو متبادل جگہ بھی فراہم کی جائیں گے. پولیس کو، اینٹی انکروچمنٹ فورس کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے سخت احکام آتے ہیں، 1 مہینے کے اندر اندر سرکولر ریلوے کے اطراف جتنی بھی تجاوزات قائم ہیں ان کو مسمار کیا جائے. اس کے اوپر آپریشن پہ زور دیا جا رہا ہے پہلی پوشن کے اندر. دوسرے پوشن کے اندر اگر ان کے اندر کچھ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ عمارتیں لیز بھی ہو چکی ہیں، جو کہ گزشتہ 20 سال سے 25 سال سے لوگ وہاں کے رہائشی ہیں، وہ لیزیں لے کر بھی آ چکے تھے، ان کی لیزیں بھی سامنے آئی ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو لیز مکانات ہیں، جو لیز سرکار نے کر دی تھی، ان کو متبادل جگہ دی جائے یا نہ دی جائے، اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی. وفاق کے ماتحت یہ محکمہ آتا ہے، یہ ادارہ آتا ہے. اب یہ بتائیں کہ جس طرح عدالت نے کہا تھا کہ سندھ حکومت بھی مشترکہ طور پر کام کرے گی، سندھ حکومت کتنا فیصد ساتھ دے رہی ہے اس کام میں؟ دیکھیں سندھ حکومت اس میں اس کام کے اندر صرف علاقہ پولیس کام کر رہی ہے، اینٹی انکروچمنٹ فورس کام کر رہی ہے، اور علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے وہ اس آپریشن کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اور ریلوے کے جو ڈائریکٹر لینڈ ہوتے ہیں، جو ان کا اسٹاف ہوتا ہے، لینڈ کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. وہ ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف 50-50 فٹ کے اوپر فیتا لگایا جاتا ہے، اس کے بعد ہی وہاں جو ہیوی بھاری مشینری کے ذریعے کام کیا جاتا ہے. یہ تمام ادارے ساتھ مر چکے کام کرتے ہیں. رمضان کا بھی مہینہ ہے کیونکہ زیادہ دیر تک کام نہیں کرتے، روزے کا وقفہ آ جاتا ہے، روزے کے بعد کام نائٹ آپریشن نہیں کیا جا رہا. اگر یہ نائٹ آپریشن کریں، دن اور رات آپریشن کریں، تو 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے اندر یہ کام مکمل ہو جائے گا. لیکن رمضان کا مہینہ ہے اور کام بھی دیر سے سٹارٹ ہوتا ہے. جو مشینریز کی جو لوگ ہیں، جو کے ایم سی کے لوگ ہیں، جن کو ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے کیونکہ جوائنٹ آپریشن ہوتا ہے، اس میں کے ایم سی کی اینٹی انکروچمنٹ فورس بھی ساتھ ہوتی ہے جو ہیوی مشینری کے ذریعے کام کر رہی ہوتی ہے، اس میں بھی تاخیر کا سامنا دیکھنے میں آیا بعض جگہ کور. لیکن ابھی تک نارتھ نازم آباد کا ایریا کلیئر کر دیا اور مجاہد کالونی کی طرف جو ہے آپریشن کل سے شروع. اچھا کتنا کلومیٹر حصہ رہ چکا ہے جو ٹریک ابھی خالی کرانا ہے؟ دیکھیں 360 ایکڑ اراضی کے اوپر یہ پورا ریلوے ٹریک قائم ہے، جس کے اوپر 7,000 سے زائد چھوٹے اور بڑے مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، جس کے اندر کچے مکانات بھی تعمیر کیے ہوئے ہیں. ابھی ان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جو مجاہد کالونی کا ایریا ہے اس کے اطراف 50-50 فٹ کے اندر جو ہے مساجد بھی اس آپریشن کے ذریعے اس حصے کے اندر آ رہی ہے، امام بارگاہیں بھی بنی ہوئی ہیں، اسکولس تک
उस हिस्से में बनाए गए हैं। आपको कई मकाम पर यह भी देखने में आया है कि लोग अपनी मदद आपके तहजी अपने हाथों से मिसमार करना शुरू कर दिया उन्होंने काम, लेकिन थोड़ा सा मसले मसाइल होंगे। कामयाबी अगर ये फोर्स दिन और रात काम करे तो ही कामयाबी हासिल हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन हमें इस हवाले से आगाह करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, चार रोज में रेलवे ट्रैक तैयार करा लिया जाएगा, ये कहना है डिप्टी डायरेक्टर रेलवे का। अभी तमाम चीज़ें हैं, पहले शेख रशीद साहब आए, सबसे पहले अदालत आती है कि एक माह का हुक्म दिया गया, फिर शेख रशीद साहब आए, 15 दिन के अंदर रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा, सर्कुलर रेलवे को। अब ये डायरेक्टर साहब आते हैं, डिप्टी डायरेक्टर कह रहे हैं चार रोज़ में ये बागुजार करा लेंगे। अब देखना ये है कि चार रोज़ में वाकई बागुजार कराया जाता है या फिर ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त यहाँ पर ये आ चुका है कि जो इमारतें तोड़ी जा रही हैं, पक्की इमारतें तोड़ी जा रही हैं, वहाँ पर लोगों के पास लीज़ भी मौजूद है और वो लीज़ दिखा रहे हैं, तो उनके हवाले से क्या फ़ैसला किया जाएगा? अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया कि वो कहाँ पर रिहाइश इख्तियार करेंगे, मुतबादल जगह उनको कहाँ दी जाएगी। और ये एक बड़ी गहमा गहमी की सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो चुकी है। ईद के बाद इस काम में तेज़ी आ जाएगी, हैवी मशीनरी के ज़रिए तमाम इमारतें मिसमार की जा रही हैं। अब ये देखना है कि कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल इख्तियार ना कर जाए ये ऑपरेशन, के जिसमें जो इलाका मकीन है, जो वहाँ पर रिहाइश पजीर लोग हैं, वो एहतजाज की सूरत इख्तियार कर जाएँ। अब ये भी सवाल सामने आ रहा है कि सर्कुलर रेलवे में वफाकी हुकूमत का साथ सिंध हुकूमत या सिंध हुकूमत का साथ वफाकी हुकूमत आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ किस तरह दे रही हैं, क्योंकि कहा तो यह गया है कि मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया जाए। सिंध हुकूमत बारहा कहती रही कि हमें इसकी कमांड दे दी जाए, सरपरस्ती वजीर आला कहते रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव कहते रहे मुराद अली शाह साहब, कि हमें इसकी सरपरस्ती दे दी जाए। बहरहाल इस वक्त तक तो नहीं दी गई। अब देखना यह है कि यह बहाल होने के बाद सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह आता है कि रेलवे ट्रैक जो है वो खुद भी खस्ता हालत में है, उसको किस तरह से सही किया जाएगा, उस पर ट्रेन जो चलेंगी वो किस तरह से चलाई जाएंगी, तमाम चीज़ें हैं वो सोचने और समझने की ज़रूरत है। बहरहाल यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दीगर स्टोरी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्पतालों की सूरत हाल पर बात करेंगे। और बड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल जितने भी हैं, उनकी हालत इज़हार पर आप कितना भी आंसू बहालें, इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इनके पास इलाज कराने के लिए इस ये मुल्क तो मौजूद है, लेकिन ये जाते बाहर हैं। अगर बात करूँ मैं यहाँ के सरकारी अस्पतालों की हालत पर, तो पहले भी एक अस्पताल के हवाले से मैंने रिपोर्ट पेश की थी, उसके ऊपर बात की गई थी, और अब जिस अस्पताल के हवाले से बात कर रहा हूँ तो वो सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची है, जहाँ पर शोबे हादसात जो है अस्पताल का, एमरजेंसी वार्ड, वहाँ पर जो आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये इंकशाफ हुआ है कि एक से ज़्यादा मरीजों के साथ वो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी शुबा है, जो शवाहिद बता रहे हैं, कि वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी भी है। और सबसे मज़ेदार बात, जो सुपरवाइज़र हैं वो अस्पताल की नाकिस सूरत हाल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और सब अच्छा है का राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के ऊपर बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर ने इसके ऊपर वर्किंग की है, उन्हीं से जानेंगे कि हकाइक हैं क्या। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ सलमान सलीम लाइन पर मौजूद है। सलमान, ये बताइएगा इस अस्पताल की हालत क्या है असल? जी बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बताता चलूं कि ये सिंध गवर्नमेंट के मातहत चलने वाला अस्पताल है जो न्यू कराची में कायम है। इसके अंदर जब आज हमारी टीम गई तो उन्होंने ये देखा कि ऑपरेटर्स जो होते हैं, मेडिकल ऑपरेटर्स, वो एक ही जो है वो यूज हो रहे हैं। तकरीबन 200 से 300 मरीज जो है वो डेली एमरजेंसी के अंदर आते हैं। शोबा हादसा एक अस्पताल का जो है वो बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो भी हादसा होता है उस इलाके के अंदर तो वो फौरन शोबा हादसा जो है वो मरीज को लेके जाया जाता है। उसके अंदर जो है वो कोई सैनिटाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है। दूसरी जाने में आपको ये बताता चलूं कि शाम में जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर कोई निजी डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे कई अर्से से जो है वो वहाँ पे हायरिंग नहीं हुई, और जो अली अंजुम में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने बात करने से जो है वो मना कर दिया। सवाल है तो यहाँ के एमएस कौन है? यहाँ पर अली अंजुम एमएस है यहाँ के, जिन्होंने बोला है कि सेक्रेटरी हेल्थ से इजाजत लेनी पड़ेगी आपको और अस्पताल विजिट करने के लिए। तो जब हम लोगों ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की कि आपके पास जो है वो ऑपरेटर्स नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आपके पास पायोडीन नहीं है, पायोडीन एक बहुत ज़रूरी जो है वो चीज़ है शोबा हादसात के अंदर जो है वो पायोडीन का होना बहुत लाजमी है, वो नहीं है, साथ में रुईया नहीं है वहाँ पे अवेलेबल। इसके ऊपर जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मौके देने से जो है वो मना कर दिया।
और उनका यही कहना था कि सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो इसके ऊपर मौकिफ देगा, जो भी बात होगी वो सेक्रेटरी हेल्थ से आप करेंगे। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो अस्पताल है न्यू कराची का, ये इंतहाई जो है वो इसके अंदर नाकिस सूरत हाल देखने में आ रही है। और दूसरी जानब मरीज जो है वो यहाँ पे शदीद मुश्किल का सामना है। रात में या अगर दोपहर में कोई लेडी मरीज जो है वो वहाँ पे जाती है, कोई खातून जाती हैं, कोई हादसा उनके साथ पेश आता है, तो उनको चेक करने के लिए वहाँ पे फीमेल डॉक्टर की जगह पे जो है वो मेल डॉक्टर तैनात किए गए हैं। अब मेल डॉक्टर जो है वो किस तरह देखें, इसी तरह ECG की मशीन है वो भी जो है वो खराब पड़ी हुई है, इसी तरह दीगर मसाइल जो है वो अस्पताल के अंदर है। MS की मैं बात करूँ तो MS ने जो है वो वाजे तौर के ऊपर बात करने से मना कर दिया। मतलब जब तमाम चीजें मौजूद नहीं है, आपने बताया पायोडीन जैसी चीज जो इंपॉर्टेंट समझी जाती है इमरजेंसी वार्ड में वो भी मौजूद नहीं है, तो उसके बावजूद भी ये मौकफ नहीं दे रहे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ से जाने की कोशिश की इस हवाले से आपने? देखिए सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, उनको आने में तकरीबन 15 से 20 दिन जो है वो दरकार है। इस हवाले से जब हमने कोशिश की महकमे सेहत के दीगर अफसरान से बात करने की, तो उन्होंने भी जो है वो रमजानुल मुबारक के महीने को सामने रखते हुए उनका यही कहना था कि रमजान के बाद जो है वो इस चीज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जाने बात की जाए हेल्थ केयर कमीशन की, जो जिनके अंडर तमाम जो है ये अस्पताल आते हैं, उनके जो CEO हैं उनके खिलाफ भी जो है वो एंटी करप्शन ने केस कर दिया, उनको भी जो है वो एंटी करप्शन ने तलब किया हुआ है, और जल्द जो है वो इनके हकाइक भी जो है वो सामने आ जाएंगे। जी अच्छा, यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर कितने मरीज आते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी वार्ड है इधर, तो यहाँ पर जो मरीज आते हैं वो फर्स्ट एड के लिए लाए जाते हैं, हादसात की सूरत में लाए जाते हैं, तो कितने मरीज औसतन आते हैं रोजाना यहाँ पर? जी देखें बिल्कुल तकरीबन 200 से 250 मरीज जो है वो डेली यहाँ पे आते हैं। शुबह हादसात है, जिला वस्ती का एक बड़ा अस्पताल है जो आपको सुरजानी कवर कर रहा है, न्यू कराची कवर कर रहा है, नागन चुरंगी कवर कर रहा है, साथ साथ बात की जाए तो सखी हसन का इलाका वो भी जो है वो कवर कर रहा है, जबकि दूसरी जाने पासी शहीद अस्पताल है, दो अस्पताल जो है वो जिला बस्ती के अंदर कायम है सिंध गवर्नमेंट के, जिनकी जो है वो हालतें गैर जो है वो देखने में आ रही है। जी अच्छा, तो इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या कहती है, ये अस्पतालों के फंड्स नहीं है मौजूद या इनको फंड्स दिए जाते हैं, ये यहाँ आगे हेर फेर की जाती है? देखें सिंध हुकूमत का शुरू से यही रोना है कि फेडरल जो है वो फंड पास नहीं कर रही, जबकि जराए का कहना ये है कि फंड जो है वो पास कर दिए जाते हैं, लेकिन आला अफसरान जो है वो फंड अपनी जेब में डाल के जो है वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद अस्पताल को मुड़ के भी नहीं देखते। इसकी जाप्ता सूरत जो है वो आज स्क्रीन के ऊपर हमारे जो है नाजरीन वो देख रहे होंगे कि अस्पताल की क्या कंडीशन है, अस्पताल के अंदर किन चीजों का फुकदान है। सलमान, मुझे अच्छी तरह याद है आपने सरकारी अस्पताल है लियारी में, वहाँ के हवाले से भी रिपोर्ट ब्रेक की थी कि वहाँ तो ICU में बिल्लियां घूम रही थी। जी बिल्कुल, इसी तरह यहाँ पे भी अस्पताल के अंदर जो है वो कुत्तों की बहुत नजर में आई है, तकरीबन 4 से 5 कुत्ते जो है वो हमने देखे हैं, जिसकी फुटेज भी हमने बनाई है। और नागरिक तो ये जानवरों का अस्पताल क्यों नहीं रख दिया जाता इसका नाम, यहाँ पे जानवरों का इलाज कर लिया जाए, इंसानों को कहा जाए कि आप जाए, यहाँ पे पायोडीन मौजूद नहीं है मेरे पास, और मुख्तलिफ यहाँ पे पूरी लिस्ट रखी हुई है, कहीं पर लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है सेकेंड शिफ्ट के अंदर, तो फिर जानवरों के लिए रख दिया जाए ये अस्पताल? जी देखिए इस हवाले से महकमा सेहत से हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने रमजान मुबारक के महीने को जो है वो सामने रखते हुए उनका ये कहना था कि इसके बाद जो है वो इसको हम लोग बेहतर करेंगे और इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करेंगे, लेकिन ताहाल जो है वो मरीज वहाँ पे शदीद मुश्किल का शिकार हुए हैं, पायोडीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, साथ में माइनर रोटी जो है वहाँ पे जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, जो तिबी आलात यूज हो रहे हैं उसके ऊपर जो है वो जंग आलूद हो रहे हैं, जिसके बजायर ये बात देखी जा सकती है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है वो उस अस्पताल से जो है वो फैल रहे। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, मामलात जिस तरह से चल रहे हैं शर्मनाक सूरत हाल है, सिंध हुकूमत क्या कहा जाए, सिंध हुकूमत के लिए मेरा एक बड़ा जो है वो पसंदीदा जुमला है, वो मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता इस बरकत वाले महीने में, लेकिन मामलात वाज़े तौर पर हैं, जिस तरह से ये सरकारी अस्पतालों की हालत है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है, दिन ब दिन रोज़ाना नई रिपोर्ट्स आती हैं, इंकशाफ किया जाता है। पहले एक अस्पताल में बताया गया था सरकारी अस्पताल में ICU में बिल्लियाँ घूम रही हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है इस सरकारी अस्पताल में जो न्यू कराची में यहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, तो भाई आप इंसानों के ये अस्पतालों को मुख्तस कर दीजिए जानवरों के लिए, इंसानों को बोलिए कि हमारे पास लेडी डॉक्टर यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद नहीं है, यहाँ पर आपके पास शोबा हादसा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होती है और जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो मौजूद नहीं है, तो आप एक काम कीजिए जानवरों के लिए रख दीजिए, वो सुकून से यहाँ पर आकर बैठेंगे घूमेंगे फिरेंगे, जिस तरह से जो हालत है इस वक्त, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पर कुत्ते मौजूद हैं कहीं पर बिल्लियाँ मौजूद हैं, तो ये जानवरों का अस्पताल रख दीजिए ताकि हमें भी सुकून आ जाए। आपने लिख के लगाया हुआ है सरकारी अस्पताल,
برائے انسان, تو انسان وہاں پر جاتے ہیں اس کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ شرمناک صورتحال ہے. کہیں پر آپ کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں, اور سب سے خطرناک چیز کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے آلات کو استعمال کیا جاتا ہے کافی سارے مریضوں کے اوپر, یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے, جس کی وجہ سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلنے کے خدشات بھی ہیں. تو ذرا سوچ لیجئے, ذرا شرم کر لیجئے اس برکت والے مہینے کے اندر کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بجٹ آپ کو وفاق سے نہیں مل رہا, جبکہ شوائد یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس بجٹ موجود ہے, آپ خرچ کرنے کی امید نہیں ظاہر کرتے ہیں, ول پاور آپ کی کام نہیں کر رہی ہے. تو ذرا سوچئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, ورنہ سوال تو میں کروں گا. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں, آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.